नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक शर्मा। देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल के बाद अब जिला आबकारी अधिकारी बिंजोला भी एक्शन मोड में है। जी हां, अक्सर त्योहारी सीजन आते ही चाहे वो होली हो या हो फिर दीपावली, शराब की तस्करी सक्रिय हो जाती है, तो कुछ अवैध शराब कारोबारी भी शराब में मिलावट कर सस्ते दामों पर लोगों को बेचते हुए नजर आते हैं और इस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। और ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और उन घटनाओं में राजधानी देहरादून का नाम भी शामिल है। लेकिन उन पिछली घटनाओं से सीख लेते हुए देहरादून जिला आबकारी ने इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटने का फैसला किया है। जिला आबकारी बिंजोला ने श्रमिक मंत्र संवाददाता को बताया कि उन्होंने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी टीमें तैनात कर दी हैं ताकि अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि देहरादून में जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद आबकारी टीम देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की दुकान की बिक्री में हो रहे ओवररेटिंग वाले दुकानों के चालान किए हैं। इसके बावजूद भी कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है तो वह ग्राहक अपनी शिकायत जिला आबकारी देहरादून में अवश्य दर्ज कराएं। कराए भी पाई गई हैं ओवर रेटिंग को लेकर या कुछ क्या कुछ है? एक्साइज शॉप स्पेशल सेल में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी ओवर रेटिंग की और जो हमारे और अन्य सीजन में रोड डिस्प्ले करना, सीसीटीवी कैमरा शॉप परमिट को डिस्प्ले करना, कौन कौन से ब्रांड्स हमें बहुत कंप्लेंट्स मिल रही थी हमारे डिफरेंट क्वार्टर से। तो आज ये प्लान किया गया कि एक ही समय में हमारे प्रथम बार निरीक्षण पे पाई जाती हैं तो 50,000 हैं और द्वितीय बार 75 उसी अनुपात में हमारे आगे ये पेनल्टी बढ़ती जाती है और 5वें निरीक्षण पश्चात कैंसिल किए जाते हैं। बिंजोला जी, इस तरीके से त्यौहार का सीजन आ गया है, दस्तक देना शुरू कर दिया, खासकर इन दिनों त्यौहार पर देखा गया, खासकर दीवाली अहम त्यौहार था हिंदुओं का, तो खासकर जो तस्करी हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, उसको लेकर किस तरीके से रोकथाम तैयारी चल रही है आपकी, पूरा टीम किस तरह सक्रिय हो रही है, क्या कहना है? हमारी जो आबकारी की टीमें हैं सकिल भाई, वो अपने अपने क्षेत्रों में और रोड चेकिंग, आपकी जो गाड़ी है उनकी चेकिंग और जहाँ जहाँ शिकायतें हैं इस तरह की वहाँ वहाँ कार्रवाई कर रही हैं और जहाँ जहाँ सूचना मिलेगी वहाँ वहाँ उनको कार्रवाई करेंगे। वो खासकर बाहर से जो शराब की पेटियाँ का पकड़ी जाती हैं आपको सक्रिय होने के बाद भी, तो उसके रोकथाम के लिए क्या सक्रिय ताकि बाहर से जहाँ जहाँ सूचना मिलती है, बाहर के साहब का सूचना है जहाँ जहाँ होती है, हमारी टीमें पूरे रूप से सक्रिय है। नमस्कार, मैं हूँ आलोक शर्मा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब व फॉलो करना न भूलें। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रमिक मंत्र।